एवरीवन साउंड नेचुरल मेरे दर्शकों तो सारे नमस्कार। और मैं बस एक इंट्रोडक्शन देना कि मैं रॉकवे वेब्रिज टेक्नोलॉजीज कंपनी का एमडी है। यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी इंग्लिश डोगरी? हिंदी में सब ओके। तो मैं सुधांशु गुप्ता हूँ, मैं रॉकवे वेब्रिज टेक्नोलॉजीज कंपनी का एमडी हूँ और फाउंडर भी हूँ। और मेरे फैक्ट्री दो फैक्ट्री पुणे में है, हेड ऑफिस कॉरपोरेट ऑफिस पुणे में है और एक फैक्ट्री दिल्ली में। हम लोग वेब्रिज मैन्युफैक्चर करते हैं। वेब्रिज होता है ट्रक वेइंग मशीन, ये नॉर्मली यूज़ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, स्टोन क्रशर्स में, रेडी मिक्स प्लांट्स में, जहाँ जहाँ भी इनफ्लो और आउटफ्लो है प्रोडक्ट का, मटीरियल का, वहाँ ये लगता है। दिस इज़ एक्चुअली ऑक्सीजन ऑफ अ कंपनी। कोई भी कंपनी में अगर वेब्रिज लगाते हैं उसका मटेरियल कितना बाहर जा रहा है, कितना आ रहा है, उसकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वेब्रिज होता है ये मतलब आज की डेट में किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही क्रुशियल प्रोडक्ट है। और जैसे जम्मू कश्मीर में भी अभी ग्रोथ हो रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ के लिए जो मटेरियल लगता है, जो रॉ मटेरियल जैसे स्टील लगता है, सीमेंट लगता है, एग्रीगेट लगता है, सैंड लगता है, वो एक्चुअली जितना एज पर इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जितना एक्यूरेट जाना चाहिए वो डिपेंड करता है वेब्रिज के ऊपर। अभी तक जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था कि लोग मटेरियल बिना वेवमेंट किए हुए भेज रहे थे, वो सब ऐसे ही अपना ट्रक में मटेरियल लोड किया और अप्रॉक्सीमेटली पर्ची बना के भेज दिया। इससे क्या होता है, इससे उनका भी नुकसान हो रहा है जो यहाँ के इंडस्ट्रीज वाले हैं, क्योंकि उनको मटेरियल उनका ज़्यादा भी जा सकता है और अगर कम मटेरियल जाता है तो उसमें जहाँ रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जहाँ पे ब्रिजेस बन रहे हैं, जहाँ पे टनल्स बन रहे हैं, वहाँ पे लॉस हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल मटेरियल जाना चाहिए जो, तो वो एक्चुअल मटेरियल कैसे जाएगा वेब्रिज के ऊपर, उसका वजन होगा और वो एक्यूरेट मटेरियल जाएगा। अब हमारी जो कंपनी है, हम लोग ऑल ओवर इंडिया में हमारे ऑफिस हैं और वी आर मेजर एक्सपोर्टर्स ऑल्सो। आज दुनिया के हर एक देश में हम वेब्रिजेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इवन जर्मनी, यूरोप, यूएसए जैसे कंट्रीज जहाँ पे टेक्नोलॉजी वहीं से शुरू हुई है और इंजीनियरिंग, दीज कंट्रीज आर इंजीनियरिंग हब्स, वहाँ पे भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वेब्रिजेस। सो हमारे वेब्रिजेस आर मतलब वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड दे आर मोस्ट एक्यूरेट। तो अभी हम लोगों ने इनिशिएट, क्योंकि मैं खुद जम्मू से हूँ, पिछले 33 साल पहले मैं जम्मू से पुणे शिफ्ट हुआ और वहीं पे सेटल हुआ हूँ। अब मेरा इनिशिएटिव है क्योंकि जम्मू कश्मीर में ग्रोथ शुरू हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से और यहाँ की लोकल पब्लिक के कॉन्ट्रीब्यूशन से, तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है बींग जम्मू आई कि मैं यहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर अपना सेल्स एंड सर्विस ऑफिस लॉन्च कर रहा हूँ मैं, जो कि गांधीनगर में हमारा सेल्स एंड सर्विस ऑफिस रहेगा, सो दैट वी कैन सप्लाई द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट टू जम्मू आइट्स एंड वी कैन गिव द बेस्ट क्लास सर्विस ऑल्सो, बिकॉज सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज हम कोई भी प्रोडक्ट देते हैं उसमें सर्विस नहीं मिलेगी तो क्लाइंट का नुकसान होगा। सो उसके लिए हम लोगों ने पहले ऑफिस लॉन्च किया है एंड अब हम यहाँ पर लोगों को वेब्रिज जो हमारा पुणे में बनता है वो हम यहाँ पे उनको सप्लाई करें। इफ़ वी गेट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू इन्वेस्टमेंट इन जम्मू। हम लोग बहुत जल्दी जम्मू में एक फैक्ट्री भी लॉन्च करेंगे, जिससे कि एक तो इन्वेस्टमेंट आएगा अपनी स्टेट में, दूसरा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। सो मेरा मोटिव यही है कि अपना, क्योंकि जम्मू इज माई मदरलैंड, तो मैं चाहता हूँ कि जम्मू में जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हम ऑल ओवर इंडिया ये एक्सपोर्ट करते हैं वो जम्मू में भी होना चाहिए। यहाँ मैंने जो सर्वे किया, यहाँ पे जो लोगों ने अभी तक वेब्रिजेस थोड़े बहुत लगाए हैं, दे आर ऑल लोकल, मतलब चाइना के लोड सेल जो सेंसर इसमें होते हैं, या नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग इट। तो वो क्योंकि सिर्फ आज क्या होता है कि लोग सस्ता सस्ता करके बेच रहे हैं ताकि उनको आसानी होती है, एंड मोस्ट ऑफ देम हु आर सप्लाइंग बेवरेजेस हेयर दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स, वो सब मतलब अपनी लैंग्वेज में झोला छाप बोलते हैं, या दे आर ब्रोकर्स, दे आर एजेंट्स। बेवरेज जो है वो एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, इसके लिए जो कोई ब्रोकर्स हैं या एजेंट्स हैं वो सही प्रोडक्ट दे नहीं सकते उनको, क्योंकि अपना बेनिफिट सोच रहे हैं कि उनको कितना मार्जिन मिलता है। हम लोग सिंस वी आर मैन्युफैक्चरर्स,
and our product is of world-class quality, we want to penetrate and give our contribution to this state so that we अच्छे से अच्छा product और अच्छे से service दें. और हमारी तरफ से पूरा initiative रहेगा कि government का और यहाँ के public का पैसा waste नहीं. वेबरी जो होता है, जैसे मैंने बताया कि कंपनी